नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी और SSC GD के लिए जो मॉक टेस्ट की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, आज उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि विज्ञान से जो संबंधित प्रश्न हैं, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका एक सीरीज देखेंगे। आज हम 20 प्रश्न देखेंगे। ये 20 प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये 20 प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे भी हैं जो कि रेलवे ALP में इस बार पूछे गए थे। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझते हुए चलिएगा और फिर इसी तरह के नए कंटेंट हम लेके आप लोगों के पास आते रहेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कड़ी की। तो देखिए, आज हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, छल्ले हैं किस ग्रहों के चारों ओर। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला है यूरेनस, दूसरा मार्स, तीसरा जुपिटर और चौथा सैटर्न, यानी कि अरुण ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इनमें से किन के पास छल्ले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, जिसको हम बोलते हैं शनि ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किस आधार पे काम करता है, किस नियम के आधार पे काम करता है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं। पहला है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है ओम का नियम, ओम्स लॉ, तीसरा है लेंज का नियम और चौथा है न्यूटन का नियम। तो देखिए, ऑप्शंस से कितना आसान हो जाता है। देखिए, ओम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ये दोनों तो होगा नहीं, कंफर्म है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, सी और ए। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसके आधार पर काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है केमिस्ट्री से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में नहीं मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में इनमें से कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो कि नहीं मिलती है। ठीक है, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और ज़ेनॉन, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा रेडॉन। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टॉन, आर्गन और ज़ेनॉन ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, बस एक रेडॉन ही ऐसा है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन का प्रश्न है केमिस्ट्री का। पूछा गया है कि फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए, किस में किया जाता है। ये चार ऑप्शंस हैं, चारों में से किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ किया जाता है। तो चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं उसको ध्यान से देखिए आप लोग। बेकलाइट, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन और PVC। PVC जो पाइप्स होती हैं, PVC पाइप्स होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। तो चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो है बेकलाइट। ठीक है, इसका आंसर होगा बेकलाइट। देखिए, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो बेकलाइट मिलता है हमको। ठीक है, तो हमारा फिनॉल जो है ये बेकलाइट के प्रिपरेशन में काम आता है। फिनॉल को जब फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट कराते हैं तो हमको बेकलाइट मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन है कि IC चिप्स आमतौर पर किससे बनी होती है। IC चिप्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है किससे IC चिप्स बनी होती है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है कि सिलिकॉन से IC चिप्स बनी होती है। याद रखिएगा, सिलिकॉन से IC चिप्स बनी होती है। अगला क्वेश्चन जो है ये बायो का क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। चार ऑप्शन है हमारे पास। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। होता क्या है कि जब कभी भी, जैसे कहा जाता है कि रूम में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए बंद कमरे में, क्योंकि उससे क्या होता है, जब अंगीठी जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रक्त में मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसको ब्लॉक कर देता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाता है। चार ऑप्शंस हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए चार ऑप्शंस हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है रेनिन। रेनिन जो है वो स्टोमक सेल में बनता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, आंसर है इसका, वो है रेनिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि एमिनो एसिड किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, एल्केलॉइड्स जिसको क्षाराव बोलते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा एमिनो एसिड। ठीक है,
सॉरी एमिनो एसिड तो प्रश्न ही है, एमिनो एसिड का जो संश्लेषण होता है वो प्रोटीन, तो ये हमारा आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है। ऑप्शन है बाई कनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स, उत्तल। उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे जो पीछे की पीछे देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, रियर व्यू मिरर है इसलिए इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि इससे वाइड व्यू मिलता है, ज़्यादा व्यू देखने को मिलता है इससे। प्लेन से अगर कंपेयर करें तो कॉन्वेक्स में ज़्यादा वाइड व्यू मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं दाद, तो ये किसके कारण होती है। तो देखिए कोई भी खुजली वाली जो रिलेटेड प्रश्न है उसका जो एग्जांपल है उसका जो आंसर होता है वो अधिकतर होता है फंगस, कवक जो होते हैं उससे होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन, इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि ह्यूमन एक्सक्रीशन जब यूरिन से होता है तो वो निकलता है बाहर, यानी मनुष्यों द्वारा आमतौर पर पेशाब में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, इसका आंसर है विटामिन सी। ठीक है, ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए सारे के सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कागज को ब्लॉटिंग करके स्याही के अवशोषण में शामिल है। देखिए जब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ होता है इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ब्लॉटिंग पेपर का काम है इंक को एब्जॉर्ब करना, तो ये इंक एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलैरिटी एक्शन, केशिल क्रिया। कैपिलैरिटी में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये कागज़ है, इसके ऊपर इंक गिरा, ठीक है, ये इंक इसमें अवशोषित हो जाता है कुछ देर के बाद, तो ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है इंक के, वो अवशोषण होकर इसके अंदर समाहित हो जाता है इस कागज़ में। ठीक है, तो ये कागज़ में इसके अंदर जाने की प्रक्रिया ये कैपिलरी एक्शन से होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कैपिलरी एक्शन। अगला प्रश्न है आरडीएक्स वॉज इन्वेंटेड बाई, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन है, अल्फ्रेड नोबल, सोडी, बर्गलिन और हैनिंग। इसका जो आंसर होगा वो एक मिनट, इसका जो आंसर होगा वो होगा हैनिंग। ठीक है, हैनिंग ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लल रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। चार ऑप्शन हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी में से वो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। देखिए होता क्या है कि जब भी सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है या फिर जब सूरज डूबता है, तो उस वक्त उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन की प्रक्रिया के चलते ऐसा होता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला प्रश्न ये है कि स्टार का रंग किसका संकेत है। स्टार यानी कि तारा, तारे का जो रंग होता है वो किस बात का संकेत देता है। देखिए तारा जब दूर होता है, तारे का टिमटिमाने का अर्थ यह है कि वो उसको डिस्टेंस के चलते होता है। तारों में जो टिमटिमाहट जो होती है वो उसके दूरी के चलते होती है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ये जो ऑप्शन इसका आंसर है वो है तापमान, तारे का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, इसके चलते उसका कलर जो होता है हमको हल्का जो लाल या पीले में जो दिखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है। एलिसा एक टेस्ट है, ये इनमें से किन रोगों के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। चार ऑप्शंस, पोलियो वायरस, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, एड्स। एड्स अगर जानना है, एड्स बीमारी का जो कारण है वो तो आपको पता ही है, जो टेस्ट होता है उसको डायग्नोस करने के लिए उसको हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट, मैच बॉक्स, मैंगनीज डाइऑक्साइड, शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, संचयक सेल और यूरेनियम परमाणु बम। तो देखिए यूरेनियम से परमाणु बम बनता है सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम करते हैं एक्यूमुलेटर सेल में, मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज़ होता है शुष्क सेल में। जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है पोटेशियम क्लोरेट। ये क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए होता क्या है, माचिस में हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरस का, पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन है, तो ये हमारा गलत है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा ड्यूटीरियम होता है, तीसरा ट्रिटियम होता है। कभी कभी जो हाइड्रोजन है उसको प्रोटियम भी बोला जाता है। इसलिए जो ऑप्शन है इसका कि इनमें से कौन सा आइसोटॉप नहीं है, तो इसके लिए हम टिक करेंगे अट्रियम को। अट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटॉप नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन, ये होती है नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस का। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो प्रश्न है ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक प्रश्न और मिलेगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो है वो शनि ग्रह है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज 20 प्रश्नों को हमने देखा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, SSC GD के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो विज्ञान से आज हमने 20 टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस तरह से हम अन्य भी प्रश्न अन्य सब्जेक्ट से डिस्कस करते रहेंगे, चाहे वो GS का प्रश्न हो या करंट अफेयर्स या मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग, सारा का सारा सिलेबस हम इसी में कवर कराएंगे मॉक टेस्ट के सीरीज में। अपने आप को जांचते रहिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।